सेक्स प्रॉब्लम के वजह से खुदकुशी के विचार, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का उम्र करीब करीब 29-30 साल की मजदूरी करता है और मजदूरी करते करते अभी मतलब ऐसा विचार आया कि नहीं शादी करना चाहिए, घर के लोगों ने फोर्स किया करके अभी फाइनेंशियली साउंड ने तभी भी शादी का विचार, और फिर शादी उन्होंने पक्का कर लिया तो एक महीने बाद में शादी है। मगर उसके दोस्तों ने बताया कि भाई शादी के बाद में तू सेक्स करेगा, तू फिट है कि नहीं है देख ले जरा एक बार टेस्ट कर ले। तो उसको पता ही नहीं, कभी किया ही नहीं, मजदूरी करने वाला लड़का, तो उसने कोशिश किया कि ठीक है हम टेस्ट कर लेते हैं। तो वो टेस्ट करने के लिए गया कि भाई अपन मैन है कि नहीं है, अपन सेक्स कर सकते कि नहीं। और नेचुरली जब आप टेस्ट करने जाते हो दिमाग के ऊपर लोड है, जब आप सेक्स वर्कर के पास में जाते हो उसको कोई पड़ी नहीं है कि भाई आप काय के लिए आए एंड क्यों आए, उसको तो उसके पैसे की पड़ी है, वो पैसे ले लेती है और बाद में आपको झिड़कार देती है जल्दी। तो उसने वहाँ कोशिश किया, उसको जमा नहीं। अब उसको सवाल आ गया कि एक महीने बाद में अपनी शादी है, ये जमा नहीं। अपने दोस्त ने जो बोला वो सही निकला कि मैं तो सेक्स कर ही सकता नहीं हूँ, अगले महीने में शादी करूँगा तो कैसा होगा। अभी वो घर के लोगों को बोलता है कि भाई मेरे को शादी अभी करना नहीं है, तो घर के लोग बोलते कि अभी तो एंगेजमेंट भी हो गई, अभी सब हो गया और तू ऐसा कैसा, हमको खुदकुशी करनी पड़ेगी तो ऐसा बोलेगा। तो हमने कहा किसको मुंह बताना, वे लड़का शादी क्यों नहीं कर रहा है। बोले फिर मैं अभी खुदकुशी कर लेता हूँ ऐसा वो बोला कि ठीक है फिर मेरे को नहीं करना है शादी। बोलते नहीं करना क्यों नहीं, और बोल भी नहीं रहा है कि शादी क्यों नहीं करना है, तो क्योंकि घर के लोगों को मालूम ही नहीं, ये बोल नहीं रहा है। प्रॉब्लम उसको ये लगता है कि मैं मेरे होने वाले पत्नी को खुशी दे नहीं पाऊंगा, मैं सेक्स कर नहीं पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं है, और ऐसा रहा तो फिर कैसा। तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश किया, उसने एक बार घर में अपना चादर लगा के फैन को वो कर रहा था, तब कुछ तो भी आवाज आ गया और कोई तो भी अंदर आ रहा, तो बाजू हो गया कि भाई कोई देख लेगा और कोई आ रहा है, तो डर के वो बाजू हो गया और वो उसका विचार वहाँ उसने रोक लिया। तो उसको विचार आ रहा है कि भाई इट इज़ बेटर, मतलब ये अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ ताकि ये शादी और ये सब सेक्स प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से छुटकारा पाऊँ। और उसको ये है कि आजकल तो आप लिखो किसान है मजदूरी कर रहे हैं, तो किसान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि बहुत कर्जा है, ऐसा लिख दिया तो मेरे माँ बाप को पैसा भी मिल जाएगा गवर्नमेंट से। प्रॉब्लम कौन सा है, खुदकुशी क्यों कर रहा है और लिख के क्या रख रहा है, मतलब ऐसे सब प्रॉब्लम लोगों में रहते हैं। अभी जब उसने मुझे मतलब कांटेक्ट किया, अभी मजदूरी करते हैं लोग देखते हैं वीडियो देखते रहते, उसने कुछ वीडियो मेरा देखा, उसने मुझे कांटेक्ट किया, आया मेरे पास में। तो मैंने लगा कि एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, उसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई आपने साइकिल सीखी तो आपने क्या पहले अटेम्प्ट में साइकिल मतलब चलाना सीख लिया है, नहीं ना, साइकिल पर आप चढ़े गिरे लग गया घुटने फूटे और दो चार अटेम्प्ट के बाद में 8-10 दिन के बाद में आपको साइकिल चलाना आया, आप कैसा अपेक्षा करते कि आपको सेक्स पहले इसमें आ जाएगा, पॉसिबल नहीं ना, आपको मालूम भी नहीं रहता है कि क्या करना है एग्जैक्टली, तो आपने एजुकेशन भी लिया नहीं उसमें तो कैसा होगा। तो बोले नहीं अभी मुझे ये बताओ कि ये कैसा करना है, मतलब भाई ये कुछ नहीं है, आप शांति रखो और आपको अभी मैं नहीं बोलूँगा कि आप जाके टेस्ट करो फिर से, क्योंकि फिर से टेस्ट करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगा। मैं आपको इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको मेडिसिन दे सकता हूँ, जबकि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मगर तभी भी मैं आपको मेडिसिन दूंगा, जो मेडिसिन में इरेक्शन आएगा, आपकी जो धड़कन है दिल की वो कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं आपको एजुकेट करता हूँ कि कैसा 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 सेक्स होगा आफ्टर मैरिज, किस तरह से आपने अप्रोच करना है, क्या करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन किसने उसको दिया नहीं। और मैं आपको एजुकेशन दूंगा, आपने उस तरह से सेक्स करना है, मैं आपको काउंसिलिंग करूंगा और आपका ठीक हो जाएगा। बोले काय पर से ठीक होंगे, मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप ठीक हो जाओगे, आपके इसमें फिजिकली कुछ भी नहीं है, नथिंग। बोले क्यों बोलते हैं, मतलब आपको मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है, मॉर्निंग इरेक्शन जब आता है मतलब सुबह सुबह जब लिंग में कठोरता आती है तो एक अच्छा वो टेस्ट है, कि वो टेस्ट से हमको मालूम पड़ता है कि इसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है नहीं। तो बोले ठीक है आप जो बोलते हैं तो मैं शादी करूंगा। बोला डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आपके पीछे खड़ा, आप शादी कर लो, कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, ना आपको खुदकुशी करने की जरूरत है, ना आपका डिवोर्स होगा, ना आप वो लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने वाले हो, आप सिर्फ शांति रखो, कॉन्फिडेंस रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, आपका सब ठीक कर दूंगा। बोले ठीक है मैं शादी करूंगा। उसको मैंने काउंसिलिंग किया और अच्छे मन से वो मेरे यहाँ से निकल गया। बोले मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और शादी के बाद में मैं आपके पास में आऊँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो ऐसा टेस्ट करने जाते हैं और टेस्ट करके फिर वहाँ तो फेल होना ही है, तो टेस्ट करने का नहीं है। टेस्ट जब करते हैं तो दिमाग के ऊपर टेंशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना नहीं है, रिलैक्स दिमाग रखना है, एजुकेशन लेना है कि भाई सेक्स करते कैसा है, क्या होता है सेक्स में, काफ़ी सारे वीडियोस मेरे वो आप देखो, वो सुनो, देखो पढ़ो, और फिर वहाँ से यदि आप सेक्स करते हैं शादी के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं।
तो ये जब उसको मैंने समझाया तो उसको ठीक लगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर तमाम वो लोगों को शेयर करो जिनकी शादी होने की है, जिनको ऐसा डर है, तो काफ़ी सारी जिंदगी हम बचा सकते हैं। हमारा मकसद है कि वे सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप भी हमारे पार्टनर बन जाओ। हमारा पैनल है साइकियाट्रिस्ट का हमारे हॉस्पिटल में, वो आपको सलाह दे सकते हैं। आप कभी भी ऑनलाइन सलाह ले लो, कॉल करो। हमारा ऐप है, वो आप ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ आप चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।